स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बताने वाले हैं, जो डिज़ाइन देख रहे हैं सेम डिज़ाइन हम क्रिएट करेंगे इस वीडियो में, और किस तरह से इसका फर्मा बनाया जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। तो मेरा नाम है अशरफ और आप देख रहे हैं रौनक स्टार मार्बल YouTube चैनल। तो चलिए रौनक स्टार बनाएं अपने घर की रौनक। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं किस तरह से इसका डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है। तो ये जो पत्थर है ये चार पीस का मिडिल में ये डिज़ाइन बनेगा, और ये साइज है 24 इंची × 15 इंची, और इसको हमने कटिंग किया था फर्मा में ताकि ये डिज़ाइन बनने में प्रॉब्लम ना हो। और किस तरह से इसका फर्मा क्रिएट किया जाता है आप मेरा ये वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हमने इसी तरह का कटिंग करने का मार्बल का हमने फर्मा बताया था, तो उस वीडियो में आप देखिएगा तो आप आसानी से फर्मा बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मेज़रमेंट हमने लिया, और मिडिल में जो हम देंगे वो 4 इंची × 4 इंची का है। तो ये देखिए ये 4 इंची हमने पहले कटिंग किया, और ये जो साइज आएगा ये दो हिस्सा में हम डिवाइड करेंगे। देखिए दोनों तरफ 50-50 जो बचा कर दिए, और एक साइड का जो मेज़रमेंट हमारा आया वो मेज़रमेंट को हम 3 हिस्सा में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो साइज आया है 2.4 है, मतलब कि 2.5 इंची, तो उसको 3 हिस्सा में हमने डिवाइड किया। और ये देखिए एक पट्टी हमने कटिंग किया, और उसको एक पीस कटिंग करके सैंपल के तौर पे उसको चेक कर रहे हैं फर्मा जो हमारा है वो सही है कि नहीं, ये साइज का काटने से डिफरेंस तो नहीं होगा। तो हमारा जो कटिंग हुआ है वो परफेक्ट है, और इसी मेज़रमेंट पर हम बाकी का कटिंग करेंगे। तो मेरा कटिंग हो चुका है, फर्मा का प्रोसेस समझ लीजिए। तो ये देखिए इधर से हमने 8 इंची दिया, और इस तरफ से भी 8 इंची दिया, दोनों साइड हमने बराबर बराबर दिया है 8 इंची और 8 इंची। और इसको एक मेज़रमेंट हम करके और एक लंबा हम मार्किंग करेंगे। ये देखिए ये लॉन्ग मार्किंग करने के बाद और किस तरह से इसका फर्मा क्रिएट होगा भी कटिंग करने के लिए वो देख लीजिए। ये देखिए इस तरह से आपको लगाना है, और दोनों पोजीशन जो है एक नाप होना चाहिए। तो थोड़ा मेरा डिफरेंस हो रहा है, तो ये देखिए, और इस तरह से पूरा एक्यूरेट आपको एक नाप ही करना है मार्किंग के हिसाब से। पूरा एक नाप ही होने के बाद समझ जाइए आपका जो है वी कटिंग करने का फर्मा क्रिएट हो चुका है। और इस पर आप समोसा कटिंग भी कर सकते हैं ये डिज़ाइन बनाने के लिए, अगर इस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं तो इसी फर्मा में आप समोसा कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए वी कटिंग कैसे किया जाता है कॉर्नर के लिए वो देख लीजिए आप लोग। ये देखिए पूरा अच्छे से हमने जो हमारा साइज में लगेगा उसको पहले एक धार को हम सही करेंगे, उसके बाद बाकी का कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने पहले सजा दिया है पूरे, और ये देखिए इस तरह से इसको पहले एक कटिंग करेंगे। ये देखिए कटिंग हो रहा है, कटिंग होने के बाद देखिए ये कटिंग हो चुका है। अब इसको जो है हम पलट के कटिंग करेंगे। देखिए इसको हमने सब सारे को पलट देना है, ये देखिए इस तरह से, और जितना लंबा मेज़रमेंट आया था वो मेज़रमेंट पे हम कटिंग करेंगे। तो इससे पहले हमने डिज़ाइन बनाया था तो उसका हमारा फर्मा क्रिएट किया हुआ है, मतलब कि कौन सा साइज का लगेगा। तो ये देखिए ये हमारा कटिंग किया हुआ है, तो इसको लगाएंगे। आप अपने हिसाब से साइज के हिसाब से देख लेना कितना लॉन्ग कटेगा, उस हिसाब से आप काट लेना, और जो प्रोसेस हम बता रहे हैं यही प्रोसेस रहेगा। और पट्टी की साइज़ की बात करूँ तो ये 5 सूता पट्टी है, आप 1 इंची भी दे सकते हैं, 1/2 इंची भी दे सकते हैं, लेकिन मेज़रमेंट के हिसाब से आपको देना है। ये देखिए हमने कटिंग किया, अब इसको चेक करेंगे ये जो कटिंग हुआ है ये सही कटिंग हुआ है या नहीं। ऐसा नहीं कि पूरा आप एक बार काट दिए, हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। ये देखिए इस तरह से आपको पहले कटिंग करके चेक करना है कि साइज जो कटिंग हो रहा है वो साइज सही है या नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। देखिए ये मेरा जो कटिंग हुआ है एक्यूरेट है, तो इसी मेज़रमेंट पे ब्लैक का जितना भी हमारा आएगा जो एरिया में लगेगा उसका डिवाइड करके जितना भी पीस लगेगा एक बार हम पूरा कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम वाइट का कटिंग करेंगे। ये देखिए वाइट का नापी हमने ले लिया, अब वाइट कटिंग करेंगे, और वाइट का भी फर्मा बनेगा साइज के हिसाब से। तो उसको हम क्या करेंगे, पहले 2-4 पीस कटिंग करेंगे और उसको चेक करेंगे, चेक कर लेने के बाद अगर सही रहेगा तो उसी मेज़रमेंट में जितना लगेगा हम आगे कटिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर दूसरा का कटिंग करेंगे। ये देखिए एक हमने पीछे ब्लैक लगाया है, और ये जितना लॉन्ग आएगा उस जगह पे मार्किंग हमने किया, और एक पीछे हमने देखिए लगाया है, अब देख रहे हैं सही है कि नहीं, तो डिफरेंस हो रहा है।
तो ये जो हमने एक ठो लगाया था एक पीस, तो इसमें नहीं आया है, तो एक और हम दे के देखते हैं। आप मेजरमेंट करके मशीन से मेजरमेंट कर लेना, ये देखिए अभी भी ये डिफरेंस हो रहा है। तो इस तरह से आप जितना लॉन्ग लगेगा वहाँ पे मार्किंग करके आप मशीन रख के चेक कर सकते हैं कि सही कट रहा है या नहीं, बड़ा या छोटा जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। आप प्रोसेस देख ही रहे किस तरह से मेजरमेंट निकाला जाता है। ये देखिए अब जो है सही कट रहा है, तो इसको हम कटिंग कर रहे हैं। और ये देखिए दो पीस हमने कटिंग किया, ये देखिए फिर इसको हम पलट दिए और फिर दो पीस हम कटिंग करके आगे हम फिर वहाँ चेक करेंगे जाके कि जो साइज का हमारा फर्मा क्रिएट हुआ है वो सही साइज कट रहा है या नहीं। अगर कुछ डिफरेंस होगा तो बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरा हमारा सही कट चुका है और ब्लैक का भी जो लास्ट का है वो भी हमने कटिंग कर लिया है। और ये इनले का एक स्क्वायर है 4 इंची बाई 4 इंची का, और ये जो है देखिए पूरा हमारा कटिंग हो चुका है और परफेक्ट कटिंग हुआ है। और इसका 24x15 वाला जो आपका फर्मा बनाना है उसका वीडियो हमने बता दिया है। और बता दूं मैं कि इसका 24x15 का जो फर्मा है वो मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, आप एंड में वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड फिटिंग का जो प्रोसेस है वो आप लोग समझ लीजिए, फिटिंग करने का जो तरीका है वो आप अच्छे से लेवल में फिटिंग कीजिएगा ताकि पॉलिश के टाइम में परेशानी ना हो। और हमने इसमें बीच में जो इनले डिज़ाइन दिया है उसके वजह से हमें तो एक्यूरेट लेवल में फ़िटिंग करना है, इसलिए कि हो सकता है हम मिडिल में ऊंचा कर दे तो पॉलिश के टाइम में वो निकल ना जाए, क्योंकि अगर ऊपर होगा तो निकल जाएगा पॉलिश के टाइम में घिसाए होके। क्योंकि इनले का जो काम होता है वो 1.5 से 2 सूता सिर्फ ऊपर का मटेरियल निकाल के उस पर दूसरा पत्थर पेस्ट किया जाता है। और इसमें और भी आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जैसे एक डिज़ाइन हमने ये बनाया, इसमें जिस तरह से हमने इल्ले बीच में दिया है आप वाइट भी दे सकते हैं, या फिर एक राउंड और वाइट दे के बीच में ब्लैक का डब्बी भी दे सकते हैं ताकि 3D लुक हो जाए। तो फ्रेंड वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए इस डिज़ाइन के बारे में। और इस डिज़ाइन में बहुत सारा आप डिज़ाइन निकाल सकते हैं, आप बाकी वीडियो आप देखिए पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन इसका लुक आया है। और फ्रेंड अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।